हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा के हायाघाट से आ रही है, जहां हायाघाट के मुंडा पुल पर चढ़ गया है नदी का पानी। रेल पटरी के ऊपर से गुजर रहा है बाढ़ का यह पानी। यूं तो अधवारा समूह की तमाम नदियां उफान पर हैं, लेकिन बागमती और करेह नदी कुछ ज़्यादा ही तांडव इस बार मचा रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे पिछले कई रिकॉर्ड को यह नदियाँ ध्वस्त कर देंगी। हायाघाट के मुंडा पुल पर चढ़ा है नदी का पानी और रेल पटरी के ऊपर से गुजर रहा है यह बाढ़ का पानी। बिल्कुल ताजी तस्वीर आप देख रहे हैं आपके पसंदीदा चैनल न्यूज टुडे दरभंगा पर। हायाघाट से यह तस्वीर, जहां पुल नंबर 16, जिसे मुंडा पुल के नाम से भी जाना जाता है, इस पुल पर नदी का पानी चढ़ चुका है। पानी रेल पटरी के ऊपर से गुजर रहा है। लगभग एक पखवाड़े से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद है। ट्रेनों को सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के रास्ते भेजा जा रहा है और वहीं से उनकी वापसी हो रही है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर एक पखवाड़े से ट्रेनों का परिचालन बंद है। अधिकांश ट्रेनों को समस्तीपुर से ही चलाया जा रहा है और वहीं वापसी का समापन उनका हो रहा है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन एक पखवाड़े से तो बंद है ही, नज़दीक समय में इसके शुरू होने की भी उम्मीद नहीं लग रही है। लोग बता रहे हैं कि 2004 में भी इतना पानी, नदी का इतना तेज प्रवाह नहीं था। 2019 में भी बाढ़ ने इस रेलखंड पर यातायात को कई दिनों तक ठप रखा था, लेकिन 2004 और 2019 से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से नदी का पानी बढ़ा है और नदी में प्रवाह यानी करंट उससे भी ज़्यादा है, स्थानीय लोग यह बता रहे हैं। तो आप रहिए होशियार, बाढ़, कोरोना और बारिश के अलर्ट से तीनों तरफ से है खतरा। हर अपडेट सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय और सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा आपका न्यूज़ टुडे दरभंगा।